بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. Hey kids, welcome back to my channel Storyland and I'm your English teacher Umme Muhammad. Let's start today's story. The name of story is Akbar and Crows and it is from the book Akbar and Crows. First, I will read the whole sentence in English, then I will translate it into Urdu. Let's start. Akbar and the Crows. Akbar or Kowe. Emperor Akbar loved nothing better than a good joke. Shahanshah Akbar ko ek acche mazak se zyada kuch bhi pasand nahi tha. He was also very fond of riddles aur wo paheliyon ka bhi bahut shaukeen tha. He never tired of asking his courtiers impossible questions to answer. वो कभी भी अपने दरबारियों से ऐसे सवाल पूछने से नहीं थकता था जिसका जवाब देना नामुमकिन होता. वन मॉर्निंग वाइल अकबर वॉज स्ट्रॉलिंग थ्रू हिज गार्डन्स. एक सुबह जब अकबर अपने बागात में चहलकदमी कर रहा था. विद हिज फेवरेट कोर्टियर एंड फ्रेंड द वाइस बीरबल. अपने पसंदीदा दरबारी और दोस्त अकलमंद बीरबल के साथ. ही केम अक्रॉस अ फ्यू ऑफ हिज कोर्टियर्स. उसका सामना अपने कुछ और दरबारियों से हुआ. द लिटिल ग्रुप ऑफ मैन हडल्ड सम वे ऑफ. लोगों का वो झुरमट कुछ दूर खड़ा हुआ था. स्टॉप्ड टॉकिंग द मोमेंट दे सॉ द एम्परर. जब उन्होंने शहंशाह को देखा तो खामोश हो गए. टू शो रिस्पेक्ट फॉर हिम दे बिकेम हश्ड. स्टूड टू वन साइड ऑफ द पैथ एंड बाउड देयर हेड्स लो. उन्होंने उसको इज्जत देने के लिए खामोशी इख्तियार की और रास्ते से एक तरफ को होकर झुक कर खड़े हो गए. ऑन द ग्रेसी लॉन जस्ट बिसाइड द कोर्टियर्स अ नंबर ऑफ क्रोज कैकल्ड एंड कॉड. घास वाले सहन में दरबारियों से कुछ ही फासले पर बहुत से कवे उछल रहे थे और शोर मचा रहे थे. दे कुड नॉट केयर लेस दैट द एम्परर वॉज कमिंग देयर वे. वो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकते थे कि बादशाह उनकी तरफ आ रहे हैं. आफ्टर ऑल दे हैड अ माइंड ऑफ देयर ओन. आखिरकार उनका भी अपना सोचने का एक तरीका है. अकबर प्लेस्ड हिज हैंड ऑन बीरबल्स फोर आर्म एंड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड. अकबर ने अपना हाथ बीरबल के बाजू पर रखा और उसको आगे जाने से रोक दिया. सी बीरबल सेड अकबर इंडिकेटिंग टू द ग्रुप विद हिज हेड. बादशाह ने अपने सर से उस ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए बीरबल से कहा कि देखो. दे हैव सीन मी एंड दे बाउ. उन्होंने मुझे देखा और वो झुक गए. दे आर नॉट बाउइंग योर हाइनेस रिप्लाइड बीरबल लाफिंग. बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया. आली जा वो बाउ नहीं कर रहे हैं. क्रोज डू नॉट बाउ दे क्रो. कवे बाव नहीं करते वो काई की आवाज़ निकालते हैं. दे से का का का. वो तो कहते हैं काए काए काए. ओनली डॉग्स बाव. सिर्फ कुत्ते बाव बाव करते हैं. हा हा लेफ्ट अकबर सीइंग द जोक. मजाक को देखते हुए अकबर ज़ोर से हंसा. हा हा आई वॉजंट टॉकिंग अबाउट द क्रोज ऑन दैट लॉन बीरबल यू फूल. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दोज कोर्टियर्स स्टैंडिंग देयर. मैं उन कवों के बारे में बात नहीं कर रहा था जो सहन में है. बीरबल तुम कितने बेवकूफ़ हो. मैं तो उन दरबारियों की बात कर रहा था जो वहाँ खड़े हैं. बीरबल अम्यूज्ड एट हिज ओन लिटिल जोक गेव अ चकल. बीरबल ने अपने इस छोटे से मजाक का लुत्फ उठाते हुए एक कहका लगाया. आई थॉट दे वर बीइंग क्वाइट बिकॉज आई वॉज अप्रोचिंग योर मैजेस्टी सेड बीरबल. बीरबल ने कहा आलीजा मैंने सोचा वो इसलिए खामोश हो गए क्योंकि मैं आ रहा था. How can you be approaching me when you are standing right by me, Bearable? asked the emperor. शहंशाह ने पूछा, Bearable, ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे पास आओ जबकि तुम पहले से ही यहाँ खड़े हो. You are Bearable, returned Bearable, quick as a flash. Bearable ने बिजली की सी तेजी से मुड़ते हुए पूछा, क्या आप Bearable हैं? The two of them rocked with laughter at their silly jokes. वो दोनों अपने अहमकाना लतीफ़ों पर खुशी से झूम उठे. They had both been quick to change the meaning of the other's comment, but they had both understood exactly what had been said. वो दोनों इस काम में बहुत तेज़ थे कि दूसरों के तबसरे का मायने बदल सके, लेकिन असल में वो दोनों जानते थे कि कोई क्या कहना चाहता है. When they stopped laughing, they moved forward along the path once more. जब उन्होंने हंसना बंद किया तो वो रास्ते के साथ साथ एक बार फिर से चल पड़े.
Let's test these courtiers today, Birbal, said Akbar, as they approached the huddle of men. जैसे ही वो लोगों के झुरमट के पास पहुँचे शहंशाह अकबर ने बैरबल से कहा चलो आज इन दरबारियों का इम्तिहान लेते हैं. Those crows have given me an idea. उन कौवों को देखकर मुझे एक ख्याल आया है. I have an interesting puzzle. I wish to set them. मेरे पास एक बहुत मज़ेदार पहेली है और मैं चाहता हूँ कि वो इसको सुलझाएं. You wish to set the crows a puzzle, said Birbal, pretending to be surprised. Birbal ने ऐसा दिखाते हुए कि जैसे वो बहुत हैरान हो रहा है पूछा क्या आप चाहते हैं कि कौवे इस पहेली को सुलझाएं. Oh, stop it, Birbal, replied the emperor. शहंशाह ने जवाब दिया ओ Birbal बस भी करो. You know exactly what I am talking about. तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. Yes, yes, replied Birbal hastily, not wanting to irritate Akbar any further. क्योंकि Birbal अब बादशाह को और ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता था तो उसने जल्दी से कहा जी हाँ मैं जानता हूँ. And what is the puzzle, my lord? और मेरे आका पहेली है क्या. You will soon find out, said Akbar, striding ahead. अकबर ने आगे बढ़ते हुए कहा तुम बहुत जल्द जान लोगे. When Akbar and Birbal drew close to the courtiers, जब अकबर और बैरबल दरबारियों के नज़दीक पहुँचे अकबर नोटिस दैट दे लुकड अनईजी. अकबर ने देखा कि वो बिल्कुल भी मुतमईन महसूस नहीं कर रहे थे. ही सो एन्जॉयड सींग दैम लाइक दिस और उसे इनको इस तरह से देखकर बहुत लुत्फ आ रहा था. दे वर अ पॉम्पस लॉट वो बिल्कुल रस्मी अंदाज में खड़े हुए थे. गुड मॉर्निंग जेंटलमैन सेट अकबर. अकबर ने कहा सुबह बखैर हजरात. Good morning, Emperor, stuttered the courtiers, bowing their heads so low that they looked stooped. सुबह बखैर बादशाह सलामत ये बात दरबारियों ने बहुत हकलाते हुए कही और उन्होंने अपने सर इतने झुका लिए लगता था वो पूरे ही झुके हुए हैं. Because Akbar had stopped to talk with them, क्योंकि अकबर ने उनसे बात करना बंद किया था. The men shifted uneasily from one foot to the other, तो वो लोग काफ़ी गैर मुतमईन हो गए और उन्होंने अपना वजन एक पाँव से दूसरे पाँव पर डाला. They looked frightened and nervous, और वो बहुत ज़्यादा घबराए और डरे हुए थे. But there was no need for them to feel this way, लेकिन उनको ऐसा महसूस करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं थी. Akbar had always been a kind ruler, अकबर हमेशा से ही एक रहम दिल बादशाह था. Perhaps it was because of his immense power that they feared him so much, ये शायद उनकी बेपनाह ताकत की वजह से था कि वो उनसे बहुत ज़्यादा डर रहे थे. I have a question for you, gentlemen, announced Akbar. अकबर ने ऐलान किया हजरात आपके लिए मेरे पास एक सवाल है. Yes, indeed, sir, mumbled one. इनमें से एक मिनमिनाया जी जनाब बेशक. We shall be happy to answer any question, O Emperor, said another. एक और ने कहा ए शहंशाह हम आपके सवाल का जवाब देकर बहुत खुशी महसूस करेंगे. Ask us anything, your highness, said a third. Anything at all. उनमें से तीसरे ने कहा बादशाह सलामत आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं कुछ भी. अकबर टर्न टू स्टडी द क्रॉस होपिंग ऑन द लॉन. अकबर कमों का मुआयना करने के लिए सहन की तरफ मुड़ा. दे वर मेकिंग इवन मोर ऑफ अ फ्यूफुल रैकेट नाउ एंड थॉरली एन्जॉइंग द अर्ली मॉर्निंग सनशाइन. अब तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें निकालकर एक खौफनाक शोर मचा रहे थे और सुबह की रोशनी से पूरी तरह से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे. My question, gentlemen, is this, continued Akbar. Exactly how many crows do we have in our city? अपनी बात को जारी रखते हुए अकबर ने कहा तो हजरात मेरा सवाल ये है कि हमारे शहर में कौवों की कितनी तादाद है. The courtiers looked blankly at each other. दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ बिल्कुल खाली नज़रों से देखा. He has gone mad, thought the first one to himself. पहले ने अपने दिल में सोचा शायद ये पागल हो गया है. What a strange question, thought the second. दूसरे ने सोचा कितना अजीब सवाल है. What an impossible task, thought the third. तीसरे ने सोचा ये तो एक नामुमकिन काम है. Does he expect us to go and count all the crows in the city? Wondered the fourth. चौथा बहुत हैरान हुआ कि क्या ये चाहते हैं कि हम जाएं और शहर में गिने के कितने कौवे हैं. The others did not think anything at all. They just stood here and gaped wide-eyed at the emperor. बाकियों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा और वो खुले मुंह और फटी आंखों के साथ शहंशाह को देखते रहे.
Needless to say, none of them actually told Akbar what was in their mind. ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उनमें से किसी ने भी बादशाह को नहीं बताया होगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. Well, gentlemen, said Akbar, what's your answer? अच्छा तो हजरात बताइए आपका क्या जवाब है. The courtiers again shifted from one leg to the other, stared blankly at the path and avoided looking directly at Akbar. दरबारियों ने फिर से अपना वजन एक पांव से दूसरे पांव पर डाला और बादशाह की तरफ बराह रास्त देखने से इज्तनाब करते हुए वो रास्ते की तरफ देखते रहे और उसको घूरते रहे. At last, the first courtier plucked some courage. आखिरकार पहले दरबारी ने हिम्मत की. Well, your majesty, he squeaked. Please give us a week to find out how many crows there are in our city. उसने चीख कर इल्तजा करते हुए कहा, आलीजा, मेहरबानी फरमा कर हमें एक हफ्ते का वक्त दीजिए ताकि हम देख सकें हमारे शहर में कितने कौवे हैं. We shall then give you the exact figure. तभी हम आपको सही तादाद बता सकेंगे. अकबर nodded and turned to Birbal. अकबर ने सर हिलाया और बीरबल की तरफ मुड़ा. What about you, Birbal? asked Akbar. अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हारा क्या ख्याल है? You have heard my question. तुमने मेरा सवाल सुना. What is your answer? तुम्हारा क्या जवाब है? Your majesty, Birbal replied immediately. बीरबल ने फौरन से जवाब दिया, आलीजा, I do not need a week to answer your question. आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक हफ्ते का वक्त नहीं चाहिए. But I do require a little time. लेकिन मुझे थोड़ा वक्त तो चाहिए. Perhaps I can inform you about the number of crows in your court tomorrow. मैं आपको कल दरबार में बता सकता हूँ कि कितने कौवे हैं. Are there going to be any crows in my court tomorrow, Birbal? asked Akbar. अकबर ने पूछा, बीरबल क्या कल कौवे मेरे दरबार में होंगे? बीरबल shook his head and laughed. बीरबल ने अपना सर हिलाया और हंसा. Very amusing, your majesty, he said. Very funny indeed. बहुत दिलचस्प आलीजा, उसने कहा, और बहुत मजाहिया भी बेशक. Let me state it an other way. चले मैं इसको किसी और तरह से कहता हूँ. Tomorrow in your majesty's court, I shall announce the exact number of crows in our city. कल आलीजा मैं आपके दरबार में इस बात का ऐलान करूँगा कि हमारे शहर में कौवों की सही तादाद क्या है. And fine, exclaimed Akbar and giggled. अकबर ने कहा, ठीक है और हंसा. But I also wish to hear from you, gentlemen. लेकिन हजरात मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ. So give the problem some thought. तो इस मसले पर कुछ सोचें. Akbar and Birbal continued along the path, leaving the confused courtiers to work out the problem. परेशान दरबारियों को मसले पर काम करता हुआ छोड़कर अकबर और बीरबल ने रस्ते के साथ साथ चलना जारी रखा. The courtiers did not have a peaceful time that day. दरबारियों को उस दिन बिल्कुल भी सुकून का वक्त नहीं मिला. They looked up records, they counted crows, they asked the opinion of others. उन्होंने रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की, कवों को गिना और लोगों से राय भी ली. But most of all, they debated how Birbal would come up with his own answer. लेकिन सबसे ज़्यादा बहस उन्होंने इस बात पर की कि बीरबल अपना जवाब कैसे लाएगा. Would he be counting crows? They thought, certainly not. क्या वो कवे गिनेगा? उन्होंने सोचा, यकीनन नहीं. That night the courtiers had little sleep, but Birbal ate a hearty meal and then slept like a baby. उस रात दरबारियों को बहुत कम नींद आ सकी, लेकिन बीरबल ने जी भरकर खाना खाया और एक बच्चे की तरह सो गया. A baby? एक बच्चे की तरह? Babies wake up every 2 hours and bawl. बच्चे तो हर 2 घंटे के बाद जागते हैं और जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं. So perhaps we should say he slept like a log. अगरचे हमें कहना चाहिए वो एक बड़ी सी लकड़ी की तरह सो गया. The following morning, Akbar and his courtiers assembled in a grand darbar hall on time. अगली सुबह अकबर और उसके दरबारी बड़े से दरबार के कमरे में सही वक्त पर जमा हो गए. They were all keen to find out what Birbal would have to say. वो सब ये जानने के शायक थे कि बीरबल के पास कहने के लिए क्या है. But Birbal himself was not there. लेकिन बीरबल खुद वहाँ मौजूद नहीं था. The business of the court began. दरबार की कार्रवाई शुरू हुई. After 10 minutes or so, when everyone was almost dying of curiosity, Birbal appeared. 10 मिनट या इससे कुछ ही ज़्यादा वक्त हुआ था जब हर कोई तकरीबन तजस्सुस से मरने वाला था तो बीरबल नमूदार हुआ.
He walked up slowly to the emperor's throne and bowed. वो आहिस्तगी से चलता हुआ बादशाह के तख्त की तरफ आया और झुका. Oh, Birbal, exclaimed Akbar. I thought perhaps you might not come today. We have been waiting for you. Oh, Birbal, बादशाह ने बयान किया. हमने सोचा आज तुम नहीं आओगे. हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे. I beg your pardon, your highness, said Birbal. Birbal ने कहा, आलीजा, मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ. The problem you said was not an easy one to solve. आपने जो भी मसला बताया उसको हल करना इतना आसान नहीं था. The courtiers looked delighted. दरबारी बहुत खुश नज़र आ रहे थे. They beamed at each other and some even slapped each other on the back. वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनमें से कुछ ने तो एक दूसरे की कमर भी थपथपाई. It was not often they had a chance to laugh at Birbal. ये इतनी आम बात नहीं थी कि उनको Birbal पर हंसने का मौका मिल सके. Or see him squirm, या फिर उसको तिलमिलाता हुआ देख सके. He always come up with an answer, and this made them look stupid. वो हमेशा जवाब के साथ आता जिसकी वजह से ये सब बेवकूफ़ नज़र आते. But this time he looked stumped, लेकिन इस दफ़ा तो वो लकड़ी के कटे हुए तने की तरह लग रहा था. He would not be able to answer Akbar's question, वो अकबर के सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा. और दैट इज़ वर्ड दे नाउ थॉट, ये वो था जो वो अभी सोच रहे थे. Birbal looked around at the assembly. Birbal ने इर्द गिर्द मजमे की तरफ देखा. He could see that the courtiers were looking highly delighted. वो देख सकता था कि दरबारी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं. So you think I have no answer, he thought. उसने सोचा, ओह तो तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है. You smile and you hope to laugh at my failure? I shall show you. तुम मुस्कुरा रहे हो और हंसना चाहते हो मेरी नाकामी पर? मैं तुम्हें दिखा दूंगा. Akbar too began to smile broadly. अकबर ने भी एक बड़ी मुस्कुराहट का इजहार किया. Perhaps the great Birbal would finally be defeated. Perhaps this time he would be lost for words. अगरचे अजीम बीरबल आखिरकार हार जाएगा और इस दफ़ा वो अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकेगा. कम कम बीरबल, अर्ज्ड अकबर, हैव यू नो आंसर? आओ आओ बीरबल, अकबर ने इल्तिजा करते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? इंडीड आई डू योर मैजेस्टी, रिप्लाइड बीरबल, रीचिंग इनसाइड हिज क्लॉक. बेशक आलीजा, मेरे पास है, उसने अपने चोगे में आगे बढ़ते हुए जवाब दिया. वेरी स्लोली बीरबल टुक आउट अ पार्चमेंट फ्रॉम हिज क्लॉक. बहुत आहिस्तगी से बीरबल ने अपने चोगे में से एक पर्ची निकाली. ही अनरोल्ड इट स्लोली एंड केयरफुली, उसने उसको आहिस्तगी और एहतियात से खोला. लुकिंग एट द कोर्ट एज ही वॉज डूइंग सो, दरबार की तरफ देखते हुए जैसे कि वो पहले से कर रहा था. देन ही हेल्ड इट अप, क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड बिगेन टू रीड इन अ लाउड वॉइस विच कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द हॉल. इसने इसको ऊपर करके पकड़ा, अपना गला साफ किया और ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू किया, इतनी ऊंची आवाज़ जो दरबार के सब हिस्सों तक पहुंच रही थी. योर मैजेस्टी, इन द कैपिटल सिटी ऑफ योर एम्पायर देयर आर एग्जैक्टली 97,14,126 करोड़. आलीजा, आपकी सल्तनत के दारुल खिलाफा में कवों की सही तादाद 97,14,126 है. एज बीरबल रोल्ड अप द पार्चमेंट एंड प्लेस्ड इट बैक अंडर हिज क्लॉक, आहुश फेल ओवर द कोर्ट. जैसे ही बीरबल ने पर्ची को तय करके वापस चोहे में रखा, पूरे दरबार पर एक खामोशी छा गई. द कोर्टियर्स वर टू अमेज्ड टू अटर अ वर्ड, दरबारी तो इतने हैरान थे कि उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला. क्वाइट रिमार्केबल, एक्सक्लेम्ड अकबर स्ट्रोकिंग हिज चिन इन थॉट. सोच में डूबे हुए अकबर ने अपनी थोड़ी पर हाथ मारते हुए कहा, बहुत शानदार. फैसिनेटिंग रिमार्केबल, हैरान कन हद तक शानदार. यू से देयर आर 97,00,000 करोड़ इन दिस सिटी, तुम्हारे कहने के मुताबिक इस शहर में 97,00,000 कब्बे हैं. 97,14,126 टू बी एग्जैक्ट योर हाइनेस, रिप्लाइड बीरबल. बीरबल ने जवाब दिया, कमों की सही तादाद 97,14,126 है.
97,14,126 एग्जैक्टली आस्क्ड अकबर। अकबर ने पूछा। 97,14,126 बिल्कुल पूरे। यस योर मैजेस्टी सेड बीरबल, दैट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोज इन द सिटी। जी हाँ आलीजा, शहर में कवों की सही तादाद यही है। हाउ कैन यू बी सो श्योर एस्ट अकबर, अकबर ने पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। आई एम श्योर दैट्स द फिगर योर हाइनेस, रिप्लाइड बीरबल, यू कैन काउंट एंड चेक इफ यू लाइक। बीरबल ने जवाब दिया, आलीजा मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यही सही तादाद है, अगर आप चाहें तो आप गिनकर चेक कर सकते हैं। अकबर शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड चकल्ड, अकबर ने अपना सर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया और कहका लगाया। आई शैल नॉट बी डूइंग दैट, आई कैन अश्योर यू बीरबल, बीरबल मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक्सक्लेम्ड अकबर, अकबर ने कहा। बट टेल मी वन थिंग, लेकिन मुझे एक बात बताओ। वट इफ़ देयर आर मोर क्रोज देन द नंबर यू हैव स्टेटेड, क्या होगा अगर कमों की तादाद उससे ज़्यादा हुई जो तुमने बयान किए हैं। वट इफ़ देयर आर लेस देन द नंबर यू हैव स्टेटेड, क्या होगा अगर वो कम हुए जो तादाद तुमने बयान की है उससे। अ बज़ वेंट राउंड द कोर्ट, दरबार में एक भिनभिनाहट सी फैल गई। द कोर्टियर्स हैड एट लास्ट वोकन अप, आखिरकार दरबारी जाग गए। अकबर हैड आस्क्ड बीरबल अ गुड क्वेश्चन इंडीड, बेशक अकबर ने बीरबल से एक अच्छा सवाल पूछा है। वट आंसर कुड बीरबल गिव, बीरबल क्या जवाब दे सकता है। एंड इफ ही गिव द एम्परर अ वीक आंसर, और अगर उसने शहनशाह को कोई कमज़ोर सा जवाब दिया। वट वुड अकबर टेल हिम, अकबर उससे क्या कहेगा। वुड बीरबल बी शेम्ड, क्या बीरबल शर्मिंदगी महसूस करेगा। वुड अकबर बिकम एनरेज्ड, क्या अकबर गुस्से में आ जाएगा। दे लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ बीरबल वुड ट्राई टू रिगल आउट ऑफ दिस वन, वो देख रहे थे कि बीरबल किस तरह इस मुसीबत से तड़प कर निकलेगा। बीरबल रिमेंड काम, बीरबल बिल्कुल खामोश था। नाउ इट वॉज हिज टर्न टू शेक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड चकल, अब उसकी बारी थी कि वो अपना सर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाए और ज़ोर से हंसे। सेड बीरबल क्लिकिंग हिज टंग, अपनी ज़बान से टिक 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 की आवाज़ निकालते हुए बीरबल ने कहा। इट इज़ लाइक दिस योर मैजेस्टी, आलीजा ये बिल्कुल इस तरह है। द नंबर ऑफ क्रोज इज़ 97,14,126, कव्वों की तादाद 97,14,126 है। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन दैट एंड इट मे वेल बी सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इज़ ओनली बिकॉज सम ऑफ द क्रोज हैव लेफ्ट द सिटी टू विजिट देयर रिलेटिव्स, अगर कवों की तादाद कम हुई जैसा कि वक्तन फवक्तन होगी भी, ये इस वजह से है क्योंकि कुछ कवे अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं शहर छोड़कर। If the number of crows is more, it simply means that their relatives have come to visit them in the city. अगर कवों की तादाद ज़्यादा है तो सादा सी बात है कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए शहर आए हैं। अकबर laughed out loud, clapped his hand and shook his head from side to side. अकबर ज़ोर से हंसा, तालियां बजाई और अपना सर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया। बीरबल बीरबल cried the emperor, you are quite impossible. शहनशाह चिल्लाया, बीरबल बीरबल तुम्हें हराना नामुमकिन है। यू हैव आंसर फॉर सिंपली एवरीथिंग, तुम्हारे पास हर चीज़ का जवाब है। द कोर्टियर्स कुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स ईदर, दरबारी भी अपने आप को रोक ना सके। एंड ऑल टुगेदर दे बर्स्ट इनटू अ लाउड अप्लॉज एट बीरबल्स ग्रेट विट एंड जीनियस, और एक साथ अचानक से सब ने मिलकर बीरबल की अकरमंदी और जहानत के लिए ज़ोर से तालियाँ बजाई। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. So kids, if you really love to listen stories from your book, please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you. And don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. Till then, tata, bye.